पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालादम करार दी जाए। ये काफी नहीं कि वो कहें कि हम गैर जानिबदार हैं, पूरे मुल्क को बहरान में डाल दिया गया। इमरान खान एक खत का सहारा ले रहे हैं। अब्दुल अलीम खान ने तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक अहम इंकशाफ करते हुए कहा, कौम को बताएं कि पंजाब में फरह का किरदार क्या था, पंजाब में कौन सी ऐसी बड़ी सीट है जिस पर पैसे ना लिए जाते हों। उस्मान बुज़दार के दौर में पैसे देकर डिप्टी कमिश्नर बनते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद तर्जमान मुस्लिम लीग नून भी DGISPR से अस्करी क्यादत से मुतालिक इमरान खान के झूठ पर वजाहत जारी करने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान साहब आइन की पीठ में खंजर खोंप कर और आइन शिकनी के जुर्म का इर्तकाब करके नाम निहाद आलमी साजिश के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि जोहरी मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिका को अमल करते हुए कोई सियासी फैसला करने की जरूरत है ताकि सन 2015 की जोहरी डील को बहाल किया जा सके। और महकमे मौसमियात की जानिब से इस मरतबा मुल्क भर में अप्रैल से मई तक मामूल से बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। रवां साल अप्रैल और मई के दौरान मामूल से काफी कम, जबकि जून में मामूल से कदरे ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला वाहिद T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वनडे सीरीज में 2-1 से फतह के बाद टीम के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 के लिए मुशावरत कर रही है।